हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आज आप इस टाइम जो आप देख रहे होंगे बाहर का मौसम थोड़ा सा, वो अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं। वैसे तो हमें काफ़ी लेट हो गए हैं, वैसे इन्होंने कहा था कि ताजमहल जाने के लिए 5:30 बजे तक पहुंच जाना, मगर हम 6 बजे निकल रहे हैं। तब भी चलो ठीक है, जो भी है। तो अगर आपको ताजमहल जाना है तो या तो अर्ली मॉर्निंग कोशिश करें या फिर लेट इवनिंग, क्योंकि इस टाइम गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो उसकी वजह से आप, मेरी राय के हिसाब से आप अर्ली मॉर्निंग ही ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मौसम भी अच्छा रहेगा और ठंडा रहेगा और कूल अगर रहेगा तो आप आराम से घूम भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको आज ताजमहल दिखाते हैं। पीछे मैं आपको देख रही हूँ, ये प्राइवेट पार्किंग है, तो 150 रुपये इन्होंने हमसे लिए हैं। तो मैंने अभी पता किया, तो कह रहे सरकारी में भी 100 के करीब होगा, मुझे आइडिया नहीं है, जाते वक्त अगर टाइम मिलेगा तो पता ज़रूर करेंगे। तो हमने ले लिए हैं वैसे तो। तो दोस्तों ये अब हम वेस्टर्न गेट से एंटर कर रहे हैं, तो इसका लैंडमार्क है आरके स्टूडियो, उसके सामने ही है बिल्कुल जस्ट वेस्टर्न गेट, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। वैसे गेट काफ़ी हैं इसमें, तो अब हम अंदर चल रहे हैं। अभी दोस्तों आपने अभी हमारे साथ ये हो गया कि पीछे से हमारे पीछे गाइड पीछे पड़ गए थे, हम इतने पैसे ले लेना, इतने पैसे दे देना। तो हमने तो कुछ ना पैसे दिए ना हमने गाइड दिया है। अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो अंदर भी देख सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, मगर मैं तो रह दूंगा कि अभी बाहर से मत ले, अंदर देखते हैं। तो दोस्तों ये है आपका सामने जो आप देख रहे हो, ये स्लॉक रूम, यहाँ आप सामान अपना रख सकते हैं फ्री में। तो देखिए सामने बिल्कुल बुकिंग काउंटर लिखा है। अब हम टिकट लेने जा रहे हैं अंदर, देखिए कितना रश हो रहा है। ये देखिए दोस्तों सामने कैश भुगतान है, बुकिंग काउंटर, महिला भी 50 जेंट्स भी 50। कैशलेस कार्ड भुगतान, इंडियन विजिटर्स लेफ्ट साइड में, फॉरनर है विजिटर्स के लिए। देखिए फॉरनर्स की टिकट लिखी है 1300 और 1100 और सार के 740 एंड 540। विदेशी काउंटर भी है, लगता है इन्होंने ये एक ही बना रखा है जहाँ तक लग रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी लंबी लाइन है, ऑनलाइन भी वैसे आजकल चल रहा है। ये देखिए ये ऑनलाइन टिकट ताजमहल की बुकिंग का है, जंप द क्यू। कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ पर अभी हो नहीं रहे, लोग कह रहे हैं, एंड अभी कैश में मैंने आपको जो भी कैश होगा, जैसे 15 इयर्स के लिए बिल्कुल फ्री है बच्चों के लिए, बाकी बड़ों के लिए 50, 300 रुपये शायद जो ले रहे हैं वो मकबरे के लिए ले रहे हैं, जो अंदर मेन कहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो वो दे दीजिए, वरना मिनिमम टिकट 50 रुपीज़ है जो ज़्यादातर लोग ले रहे हैं। बाकी मैं और डिटेल आगे जैसे जैसे वीडियो बनती रहेगी उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता रहूँगा। तो दोस्तों इसमें जैसे लिखा हुआ है, ताजमहल परिसर में प्रतिबंधित वस्तुएं, ये आप सब देख सकते हैं कि खिलौने, धूमपान, फ्लैग, बैनर, फूल आदि सब यहाँ पर सब मना है, तो आप ये बिल्कुल ना लाएं। और सामने यहाँ पर चेकिंग हो रही है, अब हम अंदर घूमेंगे, अंदर जा रहे हैं सब। अंदर फिर टिकट भी, मतलब काउंटर भी होगा शायद, मतलब टिकट वो जो हमने लिए वो काटेंगे, और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी चेक भी है, तो सिक्योरिटी चेक भी हम करके अंदर जाएंगे, फिर बाकी की वीडियो में आगे दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैं आपको एक और बात खास बताना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हमने चेकिंग वेकिंग कराई है सिक्योरिटी से, तो अभी एक बात और पता चली है कि आप साथ में अपना एक आईडी कार्ड साथ में ज़रूर लाएँ, चाहे आधार कार्ड हो चाहे कोई भी हो। जैसे हम 3 जने थे, तो हम 3 जनों में से मेरे ही, जैसे मेरा वोटर आईडी कार्ड था, उन्होंने वोटर आईडी कार्ड चेक करा है, तो तभी हमने अंदर अलाउड, वैसे परमिशन शायद दे भी देंगे, मगर तब भी आप साथ में ज़रूर लाएँ, तीनों का होगा तो अच्छी बात है, वरना एक के तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो एक का तो ज़रूर लाएँ, जैसे हम 3 थे। तो आइए अब हम अंदर चल रहे हैं, हम सामने से एंटर करेंगे। ये देखिए जगह जगह पानी का भी बना हुआ है पीने का, तो पानी की आप ज़रूर बोतल ला सक, अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं, वरना कोई ऐसी नहीं है बात।
ओ भाई साहब, ये देखिए ये प्लान ऑफ ताजमहल कॉम्प्लेक्स है। आप ये मैप दे रखा है, अब मेन जैसे मसलन सामने है, फिर मॉस्क वन, मेहमान खाना, ये सब आप देख रहे हैं। इसमें जहाँ जहाँ आपको जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अंदर जाना है मॉस में ऊपर, हमने तो टिकट लेनी थी तो हमें 50 रुपीज़ की, वरना 250 की। और ये देखिए ये लोग जा रहे हैं, अगर आपको अंदर और जाना है तो मॉस में, वरना सामने से भी टिकट ले सकते हैं कैश देके, जैसे सामने मैंने पहले दिखाया आपको 200 की वहाँ पर पड़ेगी। ये देखिए रिवर यमुना आज ही सूख चुकी है। और सामने ये बताते हैं कि पहले ब्लैक वाला भी बन रहा था ताजमहल, जैसा आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं, तो ब्लैक बन नहीं पाया, उनकी डेथ हो गई थी शाहजहाँ की। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं ये ताज म्यूज़ियम है। अब हम आपको ताज म्यूज़ियम में दिखाते हैं कि क्या क्या ताज म्यूज़ियम में है और क्या क्या हमारे एशियन थिंग्स थी। तो आइए अब हम चलते हैं अंदर, हम उसके तरफ और बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये जस्ट ताजमहल के बराबर में ही है, लेफ्ट साइड पे। दोस्तों अंदर इन्होंने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बना की गई थी, तो मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पाया। बेसिकली अंदर जो शाहजहाँ के टाइम के जो उनके स्टैम्प थे और उनके जो यूटेंसिल्स हो गए, स्वैड हो गई यानी तलवार, स्टैम्प पेपर, बाकी सब वही उन्होंने सब अंदर वही दिखाया है कि कैसे कैसे वही यूज़ करते थे, और कॉइन्स बेसिकली सिल्वर एंड गोल्ड में। तो अंदर दिखा नहीं पाया उसके लिए क्षमा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने मना किया था। अब हम वापस जा रहे हैं, तो वापस में आ गई बाज़ार जो था वेस्टर्न घाट में। अब यहाँ सब खाना पीना भी खा सकते हैं और ताजमहल वाजमहल भी ले सकते हैं, मरमर में बना हुआ। अगर यहाँ कॉस्टली मिलेगा तो बाहर से ही देखें, यहाँ से मत देखिए। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। यहाँ से 3-4 घंटे हमें ताजमहल में लग गए, तो 3 घंटे मिनिमम आप मान के चलिए। और उसके बाद अगर आप आगरा फोर्ट भी जाना चाहें, फतेहपुर सीकरी दूर है यहाँ से, और सिकंदरा भी दूर है, वो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मगर हम सिर्फ ताजमहल कवर करेंगे क्योंकि मेन अट्रैक्शन ताजमहल है यहाँ का। तो अब तक के लिए मेरी तरफ से कैसे लगा मेरा एपिसोड, अगर आपको मेरा ये एपिसोड वीडियो अच्छी लगी तो मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ ध्रुव चावला की तरफ से, बाय बाय।